ओके सो ऑल दिस गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं काला से गोरे होने वाली वीडियो टिकटॉक में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको सिंपल स्टेप बताने वाला हूं। आपको एक वीडियो शूट कर लेना है। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आप ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं है तो आप कुछ इस तरह से नॉर्मल वीडियो भी शूट कर सकते हैं। वीडियो आपको शूट कैसे करना है, आपको एक मोबाइल फोन में वीडियो को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फोन से उस सॉन्ग पे आपको कुछ इस तरह से एडिटिंग करते हुए वीडियो को शूट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान के, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल के पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टाइम मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसे आपको 10 से 12 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन पे कर देना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। यदि आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट है तो राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो हमारे वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है क्योंकि वीडियो को मैंने टिकटॉक एप्लीकेशन के साउंड से शूट किया था और इस वीडियो को मैंने प्राइवेट में अपलोड कर दिया था और इसके बाद मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया हूँ। इसके बाद वीडियो को अगेन आगे की तरफ ले जाना है और आपको देखना है कहाँ से आपको वाइड करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से मैंने शॉर्ट का कुछ इस तरह से इशारा किया हूँ तो यहाँ से हमें वाइड दिखाना है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है स्पीड टू प्ले हिट, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फर्स्ट वाले वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ से एक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो जो है फर्स्ट वाले वीडियो कुछ इस तरह से ब्लैक हो चुका है और इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो कुछ इस तरह से व्हाइट हो गया हुआ है। बिल्कुल आसानी से आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको साउंड ऐड करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है। कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, इस ट्रैक आइडियो करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और अगेन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का, सिंपल आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।